बड़ी खुशी का मौका है कि गुलबर्गा शहर में जो कदीम बहमनी फाउंडेशन जो है उसकी जानिब से जो है बहमनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन के ज़िमन में यहाँ पर सैयद शाह अली हुसैनी साहब और मैडम वगैरह सब इनॉग्रेशन के तकरीब में आए हैं। ये बड़ा मुनफरिद हॉस्पिटल यहाँ पर कायम हुआ जिसमें ख़ासकर नौमौलूद बच्चों के लिए बड़े अच्छे सहूलियात हैं और तजुर्बेकार डॉक्टर्स वगैरह का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। और सेटअप देखकर बड़ी अच्छी बड़ी खुशी हुई कि जिस अंदाज का सेटअप किया गया है कि हर तरीके की सहूलियात इस हॉस्पिटल में रखी गई हैं, तो लिहाजा मैं तमाम बहमनी के तमाम डॉक्टर्स को और तमाम स्टाफ को दिल के अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला तमाम डॉक्टरों के हाथ में खूब शिफा अता फरमाए। इसमें शाफी के वसीले से दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इस हॉस्पिटल में जो भी आए हैं उन्हें शिफा भी अल्लाह अता फरमाए। इन कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू, मैं आज मौजूद हूँ बहमनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन पर और मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी ने अपनी मुबारकबाद पेश की है डॉक्टर इरफान, डॉक्टर वसीम, डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर आसिफ के लिए, जिन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है और अल्लाह ताला इनको, मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनसे इंसानियत का काम ले और जो अमराज मौजूद हैं, जो मुश्किलात बच्चों को होते हैं गुलबर्गा शहर में, उन्हें शिफा अता फरमाएँ यहाँ पर। और अल्लाह ताला के करम से ये डॉक्टर्स का असल काम इंसानियत की खिदमत करना है, तो मैं इन सब से यही उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह ताला उसका अजर भी इनको दे। तो मैं तमाम डॉक्टर्स को और सारे स्टाफ को मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ और ये दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके हाथ में इतनी शिफा दे कि बच्चों को कहीं बाहर दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, इंशाल्लाह ताला यही शिफा हो लो। ओपनिंग सेरेमनी के मौके पर तमाम पैनल ऑफ डॉक्टर्स को और मैनेजमेंट को कि उन्होंने कौम की बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा करने की यहाँ पर कोशिश की है। डॉक्टर इब्राहिम साहब से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, डॉक्टर इरफान साहब हमारे भाई की तरह से हैं। डॉक्टर इब्राहिम अभी तक टूटी हुई हड्डियाँ जोड़ने का काम करते रहे हैं और डॉक्टर इरफान साहब जो है वो साइकियाट्रिस्ट होने के एहसास से दिमाग की तरफ जाते हैं, लेकिन अब ये आए हैं बेस की तरफ कि हड्डियाँ अभी बन रही हैं, वहीं से उसको मजबूत किया जाए और दिमाग अभी पनप रहा है, अभी परसेप्शन अभी डेवलप हो रहा है, उसी वक्त से ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाएँ कि बच्चे जो हैं वो आगे चलकर मजबूती फराम करें और अगर बीमारी को सखम न करें बल्कि उनको पूरा सपोर्ट दिया। इसी तरह ये जो स्टेट ऑफ द आर्ट सेटअप है आज इंटरनेशनल लेवल का सेटअप गुलबर्गा शरीफ जैसे शहर में होना एक बहुत बड़ी एजाज़ की और फख्र की बात है और ये पूरी टीम के लिए मुबारकबाद की बात है। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द डॉक्टर्स हु हैव गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू द सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा सिटी, ए गुड फैसिलिटी हियर। बामनी चिल्ड्रन हॉस्पिटल इज़ ए गुड सेटअप, इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आई बिलीव। इट्स ए चिल्ड्रन हॉस्पिटल विथ ऑल द फैसिलिटी, with the NICU, with PICU and with a pediatric surgeon, and one of the pediatrician has completed his post graduation PGI Chandigarh. It's a matter of prestige. So all these five pediatricians have come together to give a good setup in a private sector in Gulbarga city. ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ನಾಗರಿಕರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ದವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರ ಉಪಯೋಗ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಬಡಿ ಔರ್ ಖುಷಿ ಔರ್ ಮಸರತ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ಕಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮೇ ಬಹಮನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೆ ಜಾನಿಬ್ ಸೆ आज जो है एक जो है चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की ओपनिंग होने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है रिंग रोड पे एएसएम हॉस्पिटल के ठीक सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर इरफान को और डॉक्टर इब्राहिम को, डॉक्टर आसिफ कमठान साहब को और एक वसीम साहब को, जिन्होंने जो है एक बड़ी हिम्मत से जो है स्पेशली जो है बच्चों के लिए हॉस्पिटल बनाया गया है। और गुलबर्गा की आवाम काफ़ी दिन से ये जो एक्सेप्ट कर रही थी कि एक ऐसा एक हॉस्पिटल
इस एरिया में हो। डॉक्टर इब्राहिम और डॉक्टर इरफान और डॉक्टर आसिफ कमटान साहब, डॉक्टर वसीम साहब, मैं उनको सब लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आज ये इनॉग्रेशन के मौके पे काफ़ी लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और हम दुआ करते हैं इनका हॉस्पिटल कामयाबी से अच्छे से चले और यहाँ पे लोग शिफा हो के जाएँ। हमारा हॉस्पिटल जो है एक टर्शियरी लेवल पीडियाट्रिक सेंटर है, जहाँ पे NICU, PICU और पीडियाट्रिक सर्जरी का भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पीडियाट्रिशियन की टीम है, 4-5 पीडियाट्रिशियन है, जिसमें डॉक्टर रहीम हैं, डॉक्टर ज़ुबैर हैं, डॉक्टर फ़हीम पटेल और डॉक्टर समीउद्दीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 24/7 हमारे पास पूरे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, एमरजेंसी सर्विसेज पूरे अवेलेबल हैं। मैं गुलबर्गा की आवाम से गुजारिश करता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल से ज़्यादा फ़ायदा उठाए। माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रहीम, पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट एट बहमनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। आज हम बहमनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन सेरेमनी पे प्रेजेंट हैं। इस मौके पर मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे ये जो हॉस्पिटल है ये एक टर्शियरी लेवल पीडियाट्रिक हॉस्पिटल है, जिसमें Level 3 NICU होगा, जिसमें बेसिक ऑक्सीजन बेड से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन तक सहूलियतें मिलेंगी। और हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह के न्यूनेटल प्रोसीजर्स भी किए जाएंगे, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन से लेकर अम्बेलिकल कैथेटराइजेशन, सेंट्रल लाइन, जो कि सब फैसिलिटी एक ही रूफ में मिलेगी। क्या होता है कि जब न्यूबॉर्न बेबी होता है, अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया डिलीवरी के बाद, लोगों को एक दूसरे हॉस्पिटल को लेकर भागना नहीं पड़े, इसीलिए हम लोगों ने ये हॉस्पिटल स्टार्ट किया है, जिसमें ऑल द Level 3 फैसिलिटीज़ विल बी देयर। मैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ अली कमथान, मैनेजिंग पार्टनर बहमनी ग्रुप्स ऑफ हॉस्पिटल। आज हमारे बहमनी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन है और इस मौके पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में न्यूनेटल केयर फैसिलिटी अवेलेबल है और Level 3 NICU मतलब एक ही रूप में न्यूनेट जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके लिए सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे। इंशाल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि ये हमारा हॉस्पिटल आप सबकी खिदमत को अंजाम दे। बहुमनी मक्कल आस्पत्र इवती दिवस ऐन ओपनिंग आगे भाला सतोष इष्ट दुड प्रमाण कलबुर्गली मकल पीडियाट्रिशियन ऐन हॉस्पिटल इवते वे रीतल हॉस्पिटल हुटद मकड़ी वाले चिकित्सली आस्पत्र सेवेल नम यंग डॉक्टर्सन सीरी हॉस्पिटल बहुमनी हॉस्पिटल तेदार शुभ आगे अंत नान हारेतनी। एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट किया है ये इस कौम मिल्लत के लिए और गुलबर्ग के लोगों के लिए। इनकी जो खिदमात हैं ये नाकाबिल फरामोश हैं। अल्लाह इनके इस खिदमात में जो है ना उनको उसका अजर दे, बरकत दे और इन्हें दुनिया व आखरत में कामयाब व कामरान करें। तो गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन बहमनी हॉस्पिटल के साथ काम करेगा इंशाल्लाह, और आने वाले दिनों में जो चिल्ड्रंस का जो भी इमरजेंसी का मामला होगा, ब्लड के ताल्लुक से हो या मेडिकल के ताल्लुक से हो, गुलबर्गा बीइंग ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल बहमनी हॉस्पिटल के साथ में काम करेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर वसीम और डॉक्टर रहीम साहब जो है पीडियाट्रिक है और ये बहुत बेहतरीन डॉक्टर है गुलबर्गा के अंदर जो पीडियाट्रिशियन बच्चों को देखते हैं। तो मैं आप तमाम गुलबर्ग के व्यूवर्स से मैं गुजारिश करता हूं कि आप यहां पे आके अपने बच्चों का इलाज करिए।